सिर्फ 7 सेकंड में दुरुस्त मिकदार में दवा छापने वाली टेक्नोलॉजी। अब एक नई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ 7 सेकंड में हस्बे जरूरत दवा के हस्बे ख्वाहिश मिकदार को छापा जा सकता है। बिलखसूस मगरबी ममालिक में अरसे से बहस जारी है कि एक ही दवा तमाम मरीजों को नहीं दी जा सकती और फिर मुख्तलिफ मरीजों के लिए मुख्तलिफ खुराक ज़रूरी होती है, जिसकी तैयारी एक अलग मसला है। इसे टेलर मेड अद्विया का नाम दिया गया है, जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL ने वेट फोटो पॉलीमराइजेशन नामी टेक्नोलॉजी वाजे की है। इसमें एक महलूल में दवा घुली हुई होती है, जिसमें कुछ मिकदार में ऐसा फोटोरी एक्ट्रोकेमिकल होता है। रोशनी पड़ने पर दवा सख्त बनाकर उसे एक गोली की सूरत में डालता है। अहम बात यह है कि दवा को रिवायती प्रिंटर एक तह पर दूसरी परत चढ़ाकर छापा जा सकता है। अगरचे पहले भी प्रिंटर ये काम कर रहे थे, लेकिन उनमें बहुत वक्त सर्फ होता था। अब रोशनी मुख्तलिफ जायों से डालकर ठोस पैरासीटामोल की गोलियां सिर्फ 17 सेकंड में बनाई गई हैं। दूसरी अहम बात यह है कि दवा के महलूल में तब्दीली से दवा खारिज होने का वक्त भी काबू किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक बाज़ अद्विया बहुत तेज़ी से यानी 7 सेकंड में भी बनाई जा सकती हैं। अगरचे पैरासीटामोल दवा बतौर नमूना बनाई गई है, लेकिन ये तो सिर्फ एक तरीका है। इस टेक्नोलॉजी को कई लिहाज से बेहतर बनाकर तेज़ रफ्तार और मौसर बनाया जा सकता है। इस तरह हर मरीज के लिए मखसूस तासीर और मिकदार की अद्विया बनाई जा सकती है। अद्विया साजी के माहिरीन ने इस टेक्नोलॉजी को इनकलाबी करार देते हुए इस फार्मास्यूटिकल का मुस्तकबिल करार दिया है।